मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज मैं कक्षा 8 को संस्कृत में संधि पूरा करा दिया। अब आपको कराने जा रहा हूँ समास। क्या कराने जा रहा हूँ? समास। तो पहले तो हम ये जाने कि समास होता क्या है, तो समास के बारे में जानेंगे। तो किसी भी चीज को संक्षिप्त करके लिखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। संस्कृत में कहा गया है समसनम ही समासम। किसी भी चीज को संक्षिप्तीकरण करना समास कहलाता है, और किसी भी बात को विस्तारित करके लिखना क्या कहलाता है? समास विग्रह। तो समास की परिभाषा के बारे में बात करें तो देखो, पहले तो समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। समास शब्द से उत्पत्ति, समास शब्द से व्यतु पत्ते है, शम उपसर्ग पूर्व, उपसर्ग पूर्व काम घाय धातु। यानी समास शब्द की उत्पत्ति शम उपसर्ग पूर्वक घाय धातु से हुई है। ठीक है, समास शब्द की उत्पत्ति शम उपसर्ग पूर्वक घाय धातु से हुई है। समसनम ही समासम, मसनम ही समासम। इन्हीं भी किसी भी चीज की संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। ये तो हो गया वो। अब ये समास के भेद, समास के भेद, पहले आज हम समास के बारे में सामान्य बातें जानेंगे। मुख्य रूप से समास के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। समास के कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, नंबर 1 पे आता है अव्ययीभाव समास। नंबर 1 पे क्या आता है? अव्ययीभाव समास। नंबर 2 पे आता है तत्पुरुष समास। नंबर 2 पे क्या आता है? तत्पुरुष समास। नंबर 3 पे आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या आता है? कर्मधारय समास। नंबर 4 पे आता है द्वंद समास। द्वंद समास। नंबर 5 पे आता है द्युभु समास। ये 5 समास हमारे कोर्स में है। ठीक है, समास के भेदों के बारे में बात की, अव्ययीभाव समास, अब इनके बारे में बता। अव्ययीभाव समास में क्या? अव्ययीभाव समास
अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये तो हो गया अव्ययी भाव समास के बारे में। किसके बारे में? अव्ययी भाव समास के बारे में कि अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्यय क्या होते हैं? वो शब्द जो किसी भी परिस्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं त्याग, या उनके वास्तविक स्वरूप में चाहे वो किसी भी लिंग में प्रयोग किए जाए, किसी भी वचन में प्रयोग किया जाए, किसी के भी साथ में प्रयोग किया जाए, कहीं भी प्रयोग किया जाए, वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं त्यागते हैं और प्रत्येक जगह अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास 6 प्रकार से होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक चलते हैं। तत्पुरुष में क्या है, जैसे पूर्व पद की प्रधानता होती है। किसकी होती है? पूर्व पद की प्रधानता होती है, इसमें होते हैं। क्या होता है? पूर्व पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास। उसके बाद कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है ये जान लीजिए। कर्मधारय समास तत्पुरुष के ही क्या होते हैं? उपभेद होते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष का ही क्या है? उपभेद है। आपको यहाँ पे एक नाम और लिखना है, बहुव्रीहि। कारण है कि ये दोनों एक दूसरे के भेद हैं। तत्पुरुष का ही भेद माना गया है कर्मधारय, लेकिन अलग से कराया जाता है, ये तत्पुरुष से ही निकला हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी विशेषण विशेष इत्यादि होते हैं। द्वंद्व समास एक दूसरे में शब्द ऐसे होते हैं जिनमें समाहार किया जाता हो। द्विगु समास संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास वो होता है कि किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात किया जाता है, लेकिन उसका नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया जाता है। इनमें से सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास करेंगे। क्या करेंगे? अव्ययी भाव समास सबसे पहला समास हमारा हो अव्ययी भाव समास। तो आपको बता दूं, हमारे कोर्स में 6 अव्यय चलते हैं। एक उप, अनु, निर, प्रति, स और यथा। ये 6 अव्यय चलते हैं। ठीक है, उप का मतलब होता है समीपम, अनु का मतलब होता है पश्चात या योग्यता, निर का मतलब होता है अभाव, प्रति का मतलब होता है विप्सा, या इसको और कहते हैं पुनरावृत्ति, स का मतलब होता है सहितम, और यथा का मतलब होता है
अनतिक्रम्य, ये तो इन अव्ययों का अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हमें याद होना चाहिए। विभक्ति, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रति में द्वितीया और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, स में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और यथा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मैं कल आप लोगों को अव्ययीभाव समास के उदाहरण करके बताऊंगा, आज केवल समास की सामान्य परिभाषा, समास के भेद और अव्ययीभाव समास करना है तो इन छह अव्ययों के ऊपर आधारित होंगे, तो वो छह अव्यय यहाँ पे लिख करके दिया आपको, ठीक है, छह अव्यय आपको लिखे दिया। छह अव्ययों का अर्थ, उप का मतलब होता है समीप, अनु का मतलब पश्चात और योग्यता, दो अर्थों में किया जाता है। निर का अर्थ होता है अभाव, प्रति का विपक्षा यानी एक ही चीज को दोहराना, स का सहित यानी साथ में, यथा का अनतिक्रम यानी योग्यता के अनुसार, शुरू के तीन में षष्ठी विभक्ति, चौथे में द्वितीय और सप्तमी, पांचवें में तृतीय और छठे में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, इन अर्थों का हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, ये सारी बातें कल के जो समास विग्रह में कराऊंगा उसमें कराऊंगा। आज आपका यही काम है कि इनको उतारें, समझें और इनको तैयार करें। बाकी मैं कल आप लोगों को इसके उदाहरण कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।